मीडिया बोले कि अब चंद्रमा पर होगा मोदी मोदी कुछ इस अंदाज में, मगर चंद्रयान के छोड़े जाने के 57 मिनट पहले उस पूरे ऑपरेशन को रद्द करना पड़ा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इसी तरह से गोदी मीडिया ने यह प्रोपेगेंडा चलाया था, जी हां, जिसके अंदर यह कहा गया था कि मोदी जी वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल जीत लाएंगे, और नतीजा तो आपको भी पता है। दोस्तों, मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि अगर तो ये आपके प्रचार का जरिया है तो नहायत ही घटिया और निम्न स्तरीय जरिया है। दूसरा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इसके जरिए वो आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, जो आपका कट्टर भक्त भी है ना, कुछ दिनों बाद ये चीजें उसे खलने लगती हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत को जो करारी हार मिली उसके बाद हर भारतीय का दिल किस तरह से दुखा। और अब चंद्रयान को भी कहीं ना कहीं मोदी जी के साथ जोड़ देना, कितना गिरोगे भाई। मगर आज का न्यूज चक्र मीडिया के गिरते स्तर पर नहीं बल्कि बीजेपी की प्यास पर है, क्योंकि बीजेपी की प्यास है बड़ी, बीजेपी का दिल मांगे मोर, और हम तो यही कहेंगे बीजेपी लालच बुरी बात है। सुनिए पहले क्या कह रहे हैं बीजेपी नेता मुकुल रॉय कि इनसे 100 से ज्यादा लोग संपर्क में हैं, सीपीएम और कांग्रेस और टीएमसी के, जो जल्द इन्हें ज्वाइन करने वाले हैं। देखिए, मेरा मशवरा है यहां पर मोदी सरकार को कि क्यों ना चुनाव रद्द ही कर दिए जाए, आगे से कोई जरूरत नहीं है चुनाव कराने की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चुनाव तो हो जाते हैं, बाद में पैसे के खेल के जरिए ये बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो मेरी बात मानिए, तमाम जो विधायक है ना या राजनेता, उनकी बोली लगाइए, चुनाव नहीं बोली लगाइए, बिल्कुल आईपीएल ऑक्शन की तरह। ये तस्वीरें आपको याद हैं, जी हां, आईपीएल में जब भी किसी खिलाड़ी की बोली लगती है तो इसी तरह से अलग अलग टेबल्स पर फ्रेंचाइजी के मालिक बैठे होते हैं। मगर आप जानते हैं उसमें भी क्या होगा, हर टेबल पे अलग अलग राजनीतिक दल नहीं बैठे होंगे, हर टेबल पर बीजेपी का ही नेता बैठा होगा, हर टेबल पर कमल का चेहरा ही दिखाई दे रहा होगा। तो साहब, काहे चुनाव कराते हैं, बंद कीजिए चुनाव, हमारी बात मानिए, राजनेताओं की बोली लगाइए। दोस्तों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कर्नाटक में सियासत का जो शर्मनाक खेल हुआ, जिसमें बाकायदा विधायकों को मुंबई ले जाया गया, उन्हें बड़े बड़े 5-स्टार होटल्स में रुकवाया गया, विधायकों को बाकायदा प्राइवेट जेट्स में रखकर पहुंचाया गया मुंबई। हमारा सीधा सवाल यहां पर, आखिर 5-स्टार होटल्स का खर्चा किसने दिया? सवाल नंबर 2, प्राइवेट जेट्स का खर्चा किसने दिया? सवाल नंबर 3, जब कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार वहां पहुंचे तो उन्हें मुंबई के पवई रेनेसांस होटल में रोकने से, एंट्री करने से किसने रोका? क्या यह सवाल उठना लाजमी नहीं है, किस तरह से प्रशासन और होटल पर दबाव बनाकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना खेल कर रही थी। अब गोवा की बात करें तो यहां तो पूरा काफिला ही लुट गया, जी हां, 15 विधायक थे कांग्रेस के, इनमें से 10 जो हैं वो जाके शामिल हो गए बीजेपी में। इनमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो कांग्रेस के लीडर थे वो भी शामिल थे। यही नहीं, 25 साल जिस सीट पर बीजेपी का राज था, मनोहर पर्रिकर जहां बने हुए थे, उस सीट से कांग्रेस जीत गई थी, और जो शख्स वहां से जीता था वो भी छलांग लगाकर बीजेपी में शामिल हो गया। तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि ये पैसे का खेल नहीं तो आखिर क्या है, और इसी से जुड़े हैं मेरे कुछ सवाल। दोस्तों, गौर कीजिए इस चीज पर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, यानी कि अज्ञात लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकते हैं, उनका नाम जाहिर करने की जरूरत नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का 90% बीजेपी के खाते में गया है? मेरा सवाल, क्या प्राइवेट जेट्स और 5-स्टार होटल्स का खर्चा इन्हीं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए निकल रहा है? मुद्दा नंबर 2, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी सरकार ने विदेशों से जो आने वाला वाजिब और गैर वाजिब पैसा है वो पॉलिटिकल पार्टीज तक पहुंच सके, खासकर बीजेपी जैसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज तक,
उसको लेकर रास्ता पूरी तरह से आसान कर दिया था संसद में बाकायदा एक कानून लाकर। तो मेरा सवाल ये कि क्या इसका भी मकसद यही था कि इस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त की जा सके? और अगर धन और बल का इस तरह से खेल होता रहेगा दोस्तों, तो प्रजातंत्र के आखिर क्या मायने रह जाएंगे? अब आप इस तस्वीर को देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं बीजेपी के जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा के साथ, वो तमाम गोवा के विधायक हैं, वो मुलाकात कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक तस्वीर कुछ नहीं हो सकती। और यही मैं सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, मोदी जी क्या ये वो न्यू इंडिया है जिसकी कल्पना आप कर रहे हैं? क्या ये वो पलटू राम है जिसके जरिए देश की सियासत आगे बढ़ाई जाएगी? ये वो लोग हैं जो लगातार अपने राजनीतिक करियर में आपको और बीजेपी को गाली देते रहे, अब ये आपकी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सियासत के आखिर क्या मायने रह गए हैं? अब आपकी स्क्रीन पर इन दो चेहरों की तस्वीर देखिए, मुकुल रॉय और हेमंत बिस्व शर्मा। आज की तारीख में ये दोनों बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि ये दोनों बीजेपी में क्यों शामिल हुए? ये दोनों ही शारदा चिट फंड घोटाले में आरोपी थे। बाकी लोगों पर तो बदस्तूर कार्रवाई चल रही है, मगर इन पर जितने भी आरोप थे ना, वो अदृश्य हो गए, वो फना हो गए। आज हम आपको देश के इतिहास की दो अहम घटनाओं की तरफ लेकर चलना चाहेंगे। आपके स्क्रीन्स पर इस वक्त देश की ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, मरहूम इंदिरा। क्या आप जानते हैं कि 1984 में इसी तरह से गैर वाजिब तरीके से कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की सरकार गिराई गई थी, और इसने आम कश्मीरी को एक बहुत ही गलत संदेश दिया था। आम कश्मीरी ये सोचने लगा कि भारत को हमारी चिंता बिल्कुल भी नहीं है, इसी के चलते वो हमारी सरकारें गिरा देती है। और नतीजा ये हुआ कि उसके कुछ सालों बाद कश्मीर में शुरू हुआ अराजकता का एक दौर। कुछ इसी तरह का दुस्साहस मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने किया। आप जानते हैं 2-3 साल तक इन्होंने पीडीपी के साथ सरकार बनाए रखी, जिसके साथ इनका कोई वैचारिक मेल नहीं था। उसके बाद जब ये सरकार गिरा दी, पीडीपी को धोखा दे दिया, उसके बाद भी इन्होंने कोशिश की कि कश्मीर में किसी तरह से इनकी सरकार बन जाए, जिसके कोई वैचारिक मायने नहीं है। तो आप बताइए, इसमें सियासत कहां से आई? अब गौर कीजिए एक और घटना की तरफ। उस वक्त गैर वाजिब तरीके से इंदिरा गांधी ने एनटीआर की, आंध्र प्रदेश की सरकार गिरा दी थी। एनटीआर ने अपना राजनीतिक दमखम दिखाने के लिए दिल्ली का रुख किया अपने 160 विधायकों के साथ। मैं ये दो मिसालें आपके सामने क्यों पेश कर रहा हूं दोस्तों? ये दो मिसालें मैं आपके सामने इसलिए पेश कर रहा हूं क्योंकि इंदिरा गांधी के पास असीम ताकत थी और उन्होंने अपनी इस असीम ताकत का दुरुपयोग किया। इस वक्त क्या हो रहा है कि केंद्र सरकार के पास असीम ताकत तो है ही, मगर असल खेल हो रहा है पैसे का। इसीलिए मेरे जैसे पत्रकार जो हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स या फिर विदेशों से जो गैर वाजिब तरीके से राजनीतिक दलों तक जो पैसा पहुंच रहा है, उसको लेकर सवाल उठाते रहेंगे और उठाते रहे हैं, क्योंकि अगर यह खेल चलता रहेगा तो सियासत को इसी तरह से बर्बाद किया जाएगा और लोकतंत्र इसी तरह से बर्बाद होती रहेगी। न्यूज चक्र में अब हमारी अगली पेशकश, देश के जाने माने उद्योगपति गोदरेज ग्रुप के आदि गोदरेज ने देश के अंदर जो हेट क्राइम्स की एक लड़ी दिखाई दे रही है, एक जो आंधी चल रही है, उस पर चिंता जतलाई है। आदि गोदरेज की बात किस लिए मायने रखती है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि देश के अंदर जय श्री राम के नाम पर जिस तरह से लोगों को लिंच किया जा रहा है, ये गौ रक्षा के नाम पर जिस तरह से लोगों को टारगेट किया जा रहा है, अब धीरे धीरे कई सम्मानित उद्योगपति अपनी बात रख रहे हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा है कि गौ रक्षा के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर जिस तरह से लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उसके चलते देश की छवि पूरे दुनिया में बर्बाद हो रही है। विदेशी निवेश में कमी आई है, आप खुद इस बात का अंदाजा लगाइए कि अगर गाय के नाम पर, अगर जय श्री राम पर इस तरह से लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा, तो इस देश में कौन सी विदेशी कंपनी आकर निवेश करना चाहेगी? और अगर आज चिंता जाहिर कर रहे हैं आदि गोदरेज, तो इसकी वजह यह तस्वीर है
जब तबरेज अंसारी को इस तरह से एक भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया, और जब एक मीडिया का बहुत बड़ा तबका, और यही नहीं सोशल मीडिया में बीजेपी के समर्थकों का एक बहुत बड़ा गुट इसे जायज ठहराने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आदि गोदरेज ने दरअसल क्या क्या कहा है। आदि गोदरेज कहते हैं, इट इज नॉट एट ऑल अ रोजी पिक्चर नाउ। वन मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ द मैसिव इंपॉवरिशनेस प्लेगिंग आर नेशन विच कैन सीरियसली डैमेज द पेस ऑफ ग्रोथ ग्रोइंग फॉरवर्ड एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम रियलाइजिंग आर पोटेंशियल। The industrialists further warned that economic growth will be impacted if rising intolerance, social instability, hate crimes, violence against women, moral policing, caste and religion-based violence, and many other sorts of intolerance that are rampant across the country are not contained to ensure social harmony. Adi Godrej ne mahilaon par jis tarah se atyachar ho rahe hain, asahishnuta, जो नफरत से जुड़े अपराध, ये तमाम चीजें देश में हो रहे हैं, उसको लेकर चिंता जाहिर की है। आदि गोदरेज किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, ये सम्मानित लोग हैं। इनके इतिहास पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो इससे पहले इन्होंने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ नहीं दिया। आज अगर ऐसे सम्मानित लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं तो इनकी बात पर गौर करना बेहद जरूरी है। देश आखिर इसकी कीमत चुका सकता है। और राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे पर जो शून्यता दिखाई दे रही है, जी हां, भूल जाइए बीजेपी को, कांग्रेस भी इस मुद्दे पर खामोश हो जाती है। राजस्थान के पहलू को गौ रक्षक जो हैं वो मौत के घाट उतार देते हैं। उनमें से जिन लोगों ने उसे मौत के घाट उतारा था, उनमें से एक भी शख्स जो है वो कटघरे में नहीं है, जेल में नहीं है। यह बात अलग है कि राजस्थान पुलिस अब गहलोत सरकार के नेतृत्व में बाकायदा क्या करती है, इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति मांगती है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है जब सरकार की प्राथमिकताएं इतनी वाहियात हो जाएं। आदि गोदरेज दरअसल इसी बात को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। इस पर चिंता न सिर्फ आदि गोदरेज को बल्कि आपको और हमें सबको करना होगा। मगर हमारा क्या है, हम तो बोलते रहेंगे, आपका क्या है, आप एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे। मगर जैसे कि हमने हर बार कहा है ना, न्यूज चक्र में हमारा मकसद है जो सत्ता में बैठा ताकतवर व्यक्ति है उसे कटघरे में रखा जाए। और आज जो हम तमाम मुद्दे आपके सामने लेकर आए हैं उनका मकसद भी यही था। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।